हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग प्यारे दोस्तों। मैं नवनीत सिंह निषाद, मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों फिजिक्स। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर आप देखे होंगे कि इसमें मैं जो पढ़ाया था वो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2D पढ़ाया था। टू डाइमेंशनल एक वेक्टर को टू डाइमेंशनल 2D में कैसे ब्रेक करते हैं उसको मैंने पढ़ाया था। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। वैसे 2D वाले के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, पर 3 वाला 0 होता है, ठीक है। तो एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट कैसे होंगे ये चलिए आज हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो कुछ कोर कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। चलिए इस वेक्टर को थोड़ा सा रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन 3D, चलिए। तो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन 3D वाले में रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट इन 3D, चलिए। तो यहां से आप देख रहे हैं कि ये 3D, अगर ये है कि यहां से एक जो मैं वेक्टर यहां इधर मैं वाई एक्सिस लिया हूं और इधर मैं जेड लिया हूं और इधर मैं एक्स लिया हूं, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर आपको दिख रहा है, ये वेक्टर, इसके मेरे मुझे 3 कंपोनेंट करने हैं। तो अगर मुझे इसके 3 कंपोनेंट करने हैं, ठीक है, तो चलो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो एक जो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इसके बेसिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा वाई एक्सिस के लिए। अगर इसको वेक्टर ए बोलते हो आप, तो इसको मैं ए एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा इधर, इसको मैं ए वाई बोल देता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, उसको मैं ए जेड बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब इस पर आप ट्राइंगल रूल लगा के देख सकते हो, ठीक है ना, कि ये कंपोनेंट क्या वेक्टर ये इन तीनों से मिल के बना हुआ है। अब ए वाले वेक्टर है, समझना, इसको ए वाले को मैं उठा के इधर लाता हूँ, ए वाले को मैं उठा के यहाँ लाया, ठीक है, ऐसे ला सकता हूँ मैं। और यहाँ से अगर मैं एक वेक्टर बना दूँ, समझना, इसको एक वेक्टर बना दूँ, तो ए एक्स यहाँ आ गया और ये वाला जो वेक्टर है, ये जो नया वेक्टर बना है वो ए एक्स प्लस ए वाई का सम है बाई ट्राइंगल रूल है। हो रहा क्लियर? ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग ए एक्स और ए वाई का सम है ये वाला वेक्टर, ठीक है, क्लियर है। तो ए एक्स और ए वाई का सम है ये वाला वेक्टर। अब देखो, अब ये जो वेक्टर ए है, ये जो वेक्टर था, इसको पैरेलल शिफ्ट करो, ठीक है। ये जो वेक्टर इधर था, ये ए वाई, इसको मैंने पैरेलल इधर शिफ्ट किया। तो अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करूँ, इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा पता चले। इसको मैं पैरेलल इधर शिफ्ट किया, देखना, इसको मैंने पैरेलल इधर शिफ्ट किया और ये है मेरा ए जेड। अब ट्रायंगल रूल लगा दो इस पे, ठीक है। देखो, एक्चुअली ये जो वेक्टर यहाँ से, देखो, यहाँ से आए थे, ऐसे गए थे, ऐसे ट्रायंगल रूल लगाए थे, तो ये वाला वेक्टर मिल गया था। अब ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर और दिस वेक्टर विल गिव दिस वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए है वो 3 वेक्टर के सम से मिला है, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। यही ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ए एक्स ए वाई और ए जेड। क्यों? क्योंकि यार ए एक्स ए वाई ए जेड, देख रहे हो, ट्राइंगल रूल से आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। अभी मैं आपको एनिमेशन के थ्रू उसको विजुअलाइज कराऊंगा, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसको आप क्यूब में भी देख सकते हो, ये 3D व्यू, अगर इसको आप इस क्यूब में भी इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसे वेक्टर के 3 कंपोनेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे। देखो, ये वेक्टर ए है, इसका एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, और एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। ए आ गया ए जेड, ए आ गया ए वाई और ये आ गया ए एक्स, समझ रहे ना। एक्चुअली अपने रूम में विजुअलाइज करो, अपने रूम में विजुअलाइज करो कि ये जो वेक्टर है, पहले जो हम रिजॉल्व किए थे वो ऐसे था, इसी प्लेन में था, बोर्ड के प्लेन में था। अब 3D बोर्ड के प्लेन से बाहर है, ऐसे है वेक्टर, ठीक है, समझना, ऐसे है वेक्टर, ठीक है। इस टाइप का वेक्टर है जो बोर्ड के प्लेन से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। इसके 3 कॉम्पोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। हो गए 3 कॉम्पोनेंट, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक ऊपर वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। पहले ये वेक्टर इसी प्लेन में ऐसे रहता था, 2D में इसी प्लेन में रहता था, एक्स इधर जाता था, वाई इधर जाता था और जेड 0 आता था। अब ये वेक्टर बोर्ड से बाहर आ गया ऐसे,
ठीक है, तो इस टाइप का कुछ है, तो ये इस टाइप का है। अब इसके तीन कंपोनेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट जो अगर मैं करूं तो ये वाला, जो ये वाला कंपोनेंट आया, अगेन इसका ए एक्स नाम बोल देता हूं, ए ए था, ठीक है, और इधर जो आया उसको ए वाई बोल देता हूं, और इधर जो आया वो ए जेड बोल देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल रूल लगा दो, ट्रायंगल रूल लगा दो, इस पर ट्रायंगल रूल लगा दोगे तो इसको एक ए को उठा के यहाँ लाओ, साइड में लाओ, ए को उठा के अगर इधर लाओगे तो ये, और यहाँ से एक ट्रायंगल बना दोगे तो ये वाला जो वेक्टर आएगा वो ए एक्स प्लस ए जेड के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ से एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, ए जेड, और इसको उठा के लाए तो ये ट्रायंगल रूल इस पे लगा दो। अब इस वाले को इसके पैरेलल शिफ्ट कर दो, इस वाले के इसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे ये, अब ये इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिए ए वाई, अब फिर से ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर ए है वो इसका और इसका इन दोनों का सम है, ठीक है। मतलब वेक्टर ए ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड का सम है, ठीक है, ए एक्स और ए वाई जेड का सेम है, और ये है वेक्टर ए, ठीक है। तो ये वेक्टर ए इन दोनों का सम है, ये बात हमें क्लियर हो गया होगा, अच्छे, ठीक है। अब इस चीज को आप पहले स्केलर में समझ लो, फिर हम इसको विजुअलाइज करते हैं कि इसके कंपोनेंट कैसे करते हैं, समझो। अब मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हमें समझना है, ठीक है। मान लो ये जो वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री बना रहा है, ठीक है, इसको आप क्यूब में समझो, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये देखो, ये जो वेक्टर है, अगर ये एक्स एक्सिस, इधर जो वेक्टर गया था उसके साथ अल्फा डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, ए एक्स के साथ, ठीक है, और वाई के साथ ये बना रहा है बीटा डिग्री एंगल बना रहा है कॉम्पोनेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। एक जो वेक्टर है अपने एक्स वाले कॉम्पोनेंट से अल्फा बनाया, वाई वाले कॉम्पोनेंट से वही वेक्टर बीटा बनाया, समझ रहे हैं, ऐसे वेक्टर था। तो एक्स वाला ए एक्स वाला ऐसे है तो ये एंगल अल्फा है, वाई ऊपर है तो ये बीटा है, तो ये जेड बाहर है तो ये गामा है, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई और जेड, तो ये वाली जो जेड है ए जेड, ए जेड के साथ ये एंगल गामा बनाया, ठीक है ना। जेड वाला ऐसे एंगल है, ये जो बाहर आ रहा है बोर्ड के बाहर, ये वेक्टर है और ये गामा है और ये अल्फा है, और वाई ऊपर है, सीधा ऊपर है तो ये बीटा है, ठीक है। तो चलो, अगर ये अल्फा बीटा गामा इसको एंगल है, तो अब इसमें हम लगाते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलता है, और इस रिजल्ट को हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, एक्स। चलो अब लगा दो, एक काम करो, लगा दो इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा रिजल्ट लगा दो। अब देखो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ ए एक्स के साथ अपने ए एक्स वाले कंपोनेंट के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं ट्रायंगल रूल इसमें कॉस अल्फा लगाऊं तो ये कितना हो गया, ए एक्स हो गया। तो देखो, कॉस अल्फा लगाओगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा लगाओगे बी बाई एच दिस साइड अपॉन दिस साइड मैग्नीट्यूड, तो कॉस अल्फा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो ए है और वाई वाले के साथ, ए वाई ऊपर जा रहा है तो y वाले के साथ कितना एंगल बना रहा, तो y वाले के साथ अपना ये एंगल बना रहा बीटा, तो y वाले में लगा दो cos बीटा, cos बीटा इस ट्रायंगल में आ जाओ b अपॉन h, ठीक है, b अपॉन h, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर टू। और cos गामा, cos गामा ये वाला, तो cos गामा अगर लगा दोगे तो ये, अब इन तीनों को जोड़ दो, l m आर कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ वेक्टर, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। इनको ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा प्यारे बच्चों, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐड करने के बाद रिजल्ट, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों को ऐड कर दिए, और अगर कोई वेक्टर ऐसे दिया है तो उसकी उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो है सब आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। जो ये जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है, तो एक आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर है और यहाँ स्क्वायर रहेगा ना, ये आर स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर छूट गया तो आर स्क्वायर वन आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। साथ साथ ये इसको कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो इसको कॉस स्क्वायर ये टू होगा बच्चों, वन नहीं होगा, ये टू होगा, क्योंकि समझ रहे हो ना। तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ठीक है इज इक्वल टू वन ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू, तो ये टू के बराबर होता है। तो ये हमें हमेशा याद रखना है ठीक है कि ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर थ्री डायमेंशनल कोई वेक्टर है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा वन होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू टू होता है ठीक है। तो ये हमें दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमें इस 3D को हम आप एनिमेशन के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हो। चलो एक बार देखते हैं कि आप कैसे विजुअलाइज करते हो इसको, इस 3D व्यू को आप विजुअलाइज कर सकते हो ठीक है। तो इस 3D व्यू को आप विजुअलाइज कीजिए ठीक है, आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। चलो 3D वेक्टर जो है, अब ये देखो ये कैसे 3D वेक्टर रिजॉल्व होता था उसको आप विजुअलाइज करो। देखो कैसे 3D कंपोनेंट होगा आप यहाँ बेहतर तरीके से देख सकते हो। देखो कैसे अलाइनमेंट हुआ, और ये जो ये यहाँ ये पहले एक्चुअल वेक्टर था, यहाँ पे पहले यहाँ पर एक एक्चुअल वेक्टर था वो अपने x और y और z में कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, और इस और ये वाला जो है ये यहाँ पर जो कंपोनेंट आ रहा था ट्रायंगल रूल, यहाँ पे जो कंपोनेंट आ रहा था यहाँ पे लाके ट्रायंगल रूल लगा दिया था मैं, और इसको इधर पैरेलल शिफ्ट करके इधर ट्रायंगल रूल लगा दिया था, जिससे ये वेक्टर तीन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ। आप बेहतर तरीके से यहाँ समझ सकते हो कि कैसे जो वेक्टर है किसी थीटा डिग्री पे वो तीन कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप क्यूब वाले क्यूब में भी इसको समझ सकते हो ठीक है, तो इस चीज को आप क्यूब में भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि कैसे ये रिजॉल्व हो रहा है। देखो ये जो वैसे क्यूब था वो अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड में रिजॉल्व हो गया। 3D कंपोनेंट जो इधर जो वेक्टर जा रहा था बेसिकली वो उसके तीन कंपोनेंट बन गए। ये जो वेक्टर जा रहा था ये जो वेक्टर इधर वाला जो वेक्टर था ठीक है, उसके तीन कंपोनेंट हो गए, और ट्रायंगल रूल यहाँ से एक ट्रायंगल बना और इसको उठा के इधर लाए थे, यहाँ दो ट्रायंगल बना, तो दो बार ट्रायंगल रूल लगाने से ये वेक्टर डिराइव हो जाएगा इसे अपने कंपोनेंट में। तो आई होप कि ये आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा कि वेक्टर को 2D और 3D में कैसे रिजॉल्व करते हैं। चलो अब नेक्स्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, ये वाला लॉ पढ़ाता हूँ ठीक है। ये लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होता है बच्चों। चलो तो इसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि बहुत सारे वेक्टर हो हमारे पास ठीक है। अभी तक पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से क्या करते थे प्यारे बच्चों, दो ही वेक्टर को जोड़ते थे। अब हम दो से अधिक वेक्टर को जोड़ेंगे। दो से अधिक वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मान लीजिए हमारे पास वेक्टर है ए ठीक है, वेक्टर है बी, वेक्टर है सी और वेक्टर है डी और फाइनली वेक्टर है ई ठीक है। ये ए बी सी डी और ई ये सारे वेक्टर हैं, ए बी सी डी ये सारे वेक्टर हैं ठीक है। अब इन सबको हमें जोड़ना है, इन सबको एक साथ जोड़ना है ठीक है। तो कौन सा रूल यूज करेंगे, ट्रायंगल रूल नहीं पॉलीगॉन, इसको पॉलीगॉन रूल बोलते हैं। एक्चुअली जो पॉलीगॉन रूल है वो ट्रायंगल रूल का ही मतलब ट्रायंगल रूल से ही बना है, समझ रहे हो ना। दुनिया की सारी बड़ी चीजें छोटी छोटी चीजों से बनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए को ले लिया मैं, चलो मैं वेक्टर ए को ले लिया ठीक है। अब इसके हेड से बी को शिफ्ट करूंगा, चलो बी को शिफ्ट कर दिए विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सी को शिफ्ट कर दिए, सी ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से डी को शिफ्ट कर दिए, चलो डी को शिफ्ट कर दिए। फिर यहाँ से ई को शिफ्ट कर दिए ठीक है। अब यहाँ फाइनली पहुंच गए, यहाँ से चले थे यहाँ। अब ये वाली जो है लाइन, ये जब मिलाओगे दूसरे कलर से मैं मिलाता हूँ, यहाँ से अगर यहाँ ज्वाइन करोगे इनिशियल से फाइनल, तो ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर वो देगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन तीनों का सम देगा। तो इस
ठीक है, इसको मैं रिजल्टेंट नया वेक्टर आर बोल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे वेक्टरों को मैं जोड़ता हूँ, किसके रूल से, पॉलीगॉन रूल से। आई होप कि ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर एक समझ लेते हैं, बहुत फेमस है और ये बहुत फेमस एक एग्जाम्पल है। देखिए ए बी सी डी ई चार वेक्टर का सम आर है। ठीक है, तो चलिए ए और बी को जोड़े, तो यहाँ से देखिए ट्रायंगल रूल लगाइए, ये ए है, ये बी है और ये वाली जो वेक्टर है वो इन दोनों का सम है। ठीक है ना, तो ए प्लस बी का जो सम है, ए प्लस बी का जो सम है वो ये नया वेक्टर जनरेट हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो ये जो पीला वाला वेक्टर दिखेगा वो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का सम बनेगा। ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी का सम। तो ए, अब ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है ट्रायंगल रूल लगाएंगे तो ये नया वेक्टर जनरेट होगा जो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, और फाइनली ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर इसका सम है जो कि आर है। ठीक है ना, तो आई होप कि इसमें समझिए। इसमें बी केयरफुल, एक इंपॉर्टेंट नोट है कि बी केयरफुल। देखो अगर इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर पॉलीगॉन, अगर बहुत सारे वेक्टर हो, तीन वेक्टर, दो से अधिक वेक्टर हो, ठीक है, तीन वेक्टर हो या दो दो होंगे तो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। अगर ये दो तीन हो, चार हो, पांच हो, इस टाइप के वेक्टर हो तो अगर एक ही ऑर्डर में पॉलीगॉन को कंप्लीट करते हैं, हमेशा याद रखना कि रिजल्टेंट जीरो होता है। जैसे मान लो कि अगर एक फोर्स, एक न्यूटन का फोर्स इधर लगा, फिर दो न्यूटन का फोर्स इधर लगा, ठीक है, फिर तीन न्यूटन का फोर्स इधर लगा, ठीक है, तो उस बॉडी पर कितने, कुल कितने न्यूटन का फोर्स लगा इस ऑर्डर में साइकिल, तो नेट जो फोर्स लगा उस बॉडी पे कितना मिला, जीरो। ठीक है, ये बात समझ में आए। मतलब एक ऑर्डर में कोई भी वेक्टर लगता हो उसका रिजल्टेंट जीरो ही होता है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर इसको फोर्स ले लूँ, इसको मोमेंटम ले लूँ, इसको फोर्स ले लूँ, इसको मोमेंटम ले लूँ, इसको वेलोसिटी, तभी भी नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। सारे वेक्टर सेम नेचर के होने चाहिए। तो ये यहाँ से एक ऑर्डर कंप्लीट करिए, इनका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, जीरो। इस तरह से आप कितनी भी वेक्टर ले लो बेटा, हजारों वेक्टर ले लो, उसका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आएगा। देखो जैसे यहाँ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई और वेक्टर आर, तो अब इनका नेट रिजल्टेंट, इन सभी का नेट रिजल्टेंट क्या बना, जीरो। मतलब ए प्लस बी सबको जोड़ोगे, यहाँ जोड़ा हूँ देखो इनका सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस आर, इन सबका रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, इन सबका रिजल्टेंट मिलने वाला है जीरो। ठीक है, इन सबका रिजल्टेंट जीरो। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमेशा याद रखो। ठीक है, कि द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। पहला भाई, अगर दो अनइक्वल वेक्टर हैं, सब अनइक्वल वेक्टर समझ रहे हो ना, जो कभी इक्वल ही नहीं हुए, तो अनइक्वल वेक्टर का, अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही, दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही आएगा। अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ कि क्या दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो आ सकता है। एक ही ऑब्जेक्ट पे दो इक्वल वेक्टर लग रहे हैं तो क्या वो कभी रिजल्टेंट जीरो दे सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल भाई। अगर मैं देखो, अगर ये ब्लॉक है, अगर इस पे दो इक्वल वेक्टर लग रहे हैं, एक तीन न्यूटन का और दूसरा भी तीन न्यूटन का, इक्वल तो तभी होंगे ना जब उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो क्या ये दोनों इक्वल वेक्टर किसी ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट जीरो दे सकते हैं क्या, नेवर, कभी पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यार मतलब इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, पर दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है और एक ही बॉडी पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट ऑलवेज जीरो होगा। आई बात समझ में, दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं ये एक ब्लॉक लूँ, ठीक है, और इस ब्लॉक पे तीन न्यूटन इधर फोर्स लगाऊं और तीन न्यूटन इधर फोर्स लगाऊं, तो रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही मिलेगा भाई। ठीक है, चलो, तो रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर मे या मे नॉट बी जीरो। देखो, रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर, एक प्लेन लो, प्लेन मतलब किंगफिशर नहीं, एरोप्लेन नहीं, एयर इंडिया नहीं,
ठीक है, एयर इंडिया तो डूब गई ना। तो ये जो एक ही प्लेन में तीन वेक्टर लो, अगर वो एक साइक्लिक ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट जीरो मिलेगा भाई, ठीक है, आ रहा समझ में? साइक्लिक ऑर्डर में कब होंगे, अगर उनका साइक्लिक ऑर्डर नहीं है तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा एक ही प्लेन में। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, कि जैसे मान लो कि एक 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 ही प्लेन में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको समझो, एक ऑब्जेक्ट है, एक मान लो एक फोर्स इधर लगा, दूसरा फोर्स इधर लगा और तीसरा फोर्स इसको इधर लगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट जीरो कब होगा बोलो, जब रिजल्टेंट जीरो तब होगा अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर हो गया, तो रिजल्टेंट उसी प्लेन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर इन दोनों हैं तो तीन वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट जीरो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, अगर इसका रिजल्टेंट इसके बराबर नहीं हुआ तो रिजल्टेंट जीरो नहीं हुआ। ये बात समझ में आ गया होगा यार, सिंपल सी बात है, बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलो, द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर कैन नॉट बी जीरो। अब देखो, अब इमेजिन करो यही चीज दोबारा, थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज करके सोचो कि एक वेक्टर एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये बोर्ड का प्लेन है, बोर्ड के प्लेन में मैं दो वेक्टर लेता हूँ, एक है वेक्टर F1 और एक है वेक्टर F2। तो ये क्या है, तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर, एक बोर्ड के बाहर ले लेते हैं, चलो एक बोर्ड के बाहर ले लूँ, इधर ले लूँ, ठीक है, बोर्ड से थीटा डिग्री पर, बोर्ड की एरिया से थीटा डिग्री पर इधर वेक्टर ले लिया, तो बोर्ड की एरिया से थीटा डिग्री पर क्या मैं देखूं इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या? तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं तो वो तो बोर्ड के प्लेन में ही चल जाएगा, क्यों? क्योंकि यार दो वेक्टर लोगे तो ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं, और तीसरा वाला उसकी प्लेन से उल्टा है यार, उसकी प्लेन से बाहर है, तो क्या इसका और इसका और ये जो इधर आया, क्या ये कभी रिजल्टेंट जीरो दे सकते हैं? कभी नहीं यार, इनका नेट रिजल्टेंट इधर, इसका नेट रिजल्टेंट इधर कहीं बीच से गुजरेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से आपको कि थ्री नॉन कोप्लेनर कभी जीरो नहीं देंगे, थ्री कोप्लेनर जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और टू अनइक्वल तो कभी जीरो दे ही नहीं सकते भाई। एक एक तीन न्यूटन से इधर खींच रहा है, एक दस न्यूटन से इधर खींच रहा है, अनइक्वल, तो रिजल्टेंट कैसे जीरो मिलेगा? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाता हूँ, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल देखोगे ना तब आपको बहुत मजा आएगा। लामी थ्योरम, ठीक ना। तो लामी थ्योरम क्या है प्यारे बच्चों, जो लामी थ्योरम है वो देखो, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो यार, ठीक है, तब तुम यार बहुत अच्छे रैंक और नेट में अच्छी नंबर लाओगे। मेरी बात मतलब बहुत ध्यान से सुनो, कभी कभी थोड़ा सा भी डाइवर्ट ना हो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट फुल होके सुनो। लामी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पर हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लामी है उसके अलावा भी अल्टरनेटिव यूज करूँगा जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लामी थ्योरम इंजीनियरिंग की जो फिजिक्स है, जो इंजीनियरिंग की मैकेनिक्स है, वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो लामी थ्योरम से कम टाइम में रिड्यूस होकर सॉल्व हो जाते हैं, पर हमारे 12th और 11th-12th की फिजिक्स लेवल में लामी थ्योरम का उतना ज़्यादा बिना यूज किए भी काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि लामी थ्योरम के अलावा और भी कॉन्सेप्ट है जो लगा दोगे तो हो जाएगा, रिजोल्यूशन आता है तो लगा दोगे तो हो जाएगा। चलो पहले समझ लेते हैं ये क्या है और इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। हाँ हाँ, इसका डायग्राम कहाँ है, चलो इसका ये कहता क्या है, इसका रूल क्या है, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है, समझो कि अगर एक पॉइंट पे, देखो डिफिनेशन पढ़ो, इन लामी थ्योरम फिजिक्स थ्योरम रिलेट मैग्नेट थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, कोप्लेनर होना चाहिए, कन्ग्रुएंट होना चाहिए, नॉन क्लिनियर फोर्सेस होना चाहिए, समझ रहे हो, कंडीशन देख रहे हो, एक ही प्लेन में लगना चाहिए, कॉनकरेंट होना चाहिए, एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए, नॉन कोलिनियर फोर्सेज होना चाहिए, ठीक है, और विच कीप ऑब्जेक्ट स्टेटिक इक्विलिब्रियम, स्टेटिक इक्विलिब्रियम में रखना चाहिए, ठीक है, स्टेटिक इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है, तो विद द डायरेक्टली अपोजिट टू द कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पे तीन फोर्स लग रहे हैं, एक है F1 और एक इधर लग रहा है F2 और एक लग रहा है इधर F3, ठीक है, या इन्होंने ए बी सी लिए हैं, ए बी और ए सी, तीन वेक्टर ले लिए, तो ए का जो ये वाली जो एंगल है वो अल्फा है, और बी ये वाली जो एंगल है वो बीटा है, और ये वाली जो एंगल है वो गामा है।
तो ये कहता है कि साइन अल्फा वाई ए, अब ये हमेशा होल्ड होना चाहिए, मतलब ये जो ये तीनों एक ट्राइंगल बना रहे होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम अटेंड करेंगे, एक ट्राइंगल बना रहे होंगे इस टाइप ना, इस टाइप का एक ट्राइंगल एक ही आर्डर में बना रहे होंगे, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों फोर्सेस का सम जीरो आएगा भाई। तो साइन ए, इसको ऐसे भी किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिखा, कन्फ्यूज नहीं होना, ए अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपन कॉस अल्फा और इज इक्वल टू सी अपन कॉस गामा, तो अल्फा बीटा गामा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये इक्वेशन होल्ड होता है। अब देखो इसका बेनिफिट ऐसा लगा सकते हो, बट ये कि देखो वही चीज़ है कि यहाँ पे अपोजिट एंगल, जैसे ये वाली जो एंगल है ये एंगल कुछ ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल के फॉर्म में दिया ये कितना होगा, ये अल्फा ना ये इनके बीच का वेक्टर एंगल है, ठीक है, बी और सी, फिर से समझो मेरी बात भाई, ए बी सी, ए और बी के बीच गामा एंगल है। अब इस ट्राइंगल में देखो ए ये और बी, ये वाली बी है तो ए और बी के बीच वेक्टर ये, इसको इधर शिफ्ट करें तो ये एंगल गामा हुआ, तो ये कितना हुआ 180 माइनस गामा, ठीक है ना। अब ये 180 माइनस गामा हुआ और बी और सी के बीच एंगल अल्फा है, बी किधर है, बी बी ए है और सी ए है, तो ये एंगल बी और सी के बीच अल्फा हो गया, तो 180 माइनस अल्फा हुआ। बीटा क्या है, ए और सी के बीच का एंगल, वेक्टर एंगल समझ में आ रहा है ना, ए इधर है सी इधर है, तो ये बीटा हो गया, तो ये 180 माइनस बीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब साइन रूल लगाओगे, जैसे देखो साइन रूल लगाओगे, ऐसे एक ट्राइंगल है, ऐसे एक ट्राइंगल है और ये ए ए बी और ये सी है और इसके सामने का एंगल ये थीटा वन है और ये थीटा टू है और ये थीटा थ्री है, तो साइन रूल से साइन थीटा वन डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा टू डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू, समझना इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, क्या हुआ भाई, इज इक्वल टू साइन थीटा थ्री और डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ साइन थीटा वन साइन थीटा ऐसे हो ना, तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो, थीटा वन थीटा टू 180 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए अपन साइन 180 माइनस ए बी सी 180 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू बी अपन, ठीक है, बी अपन साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू सी अपन साइन 180 माइनस गामा, ठीक है, 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली मुझे ये मिल जाएगा, ए अपन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपन साइन बीटा और इज इक्वल टू सी अपन साइन गामा, ठीक है, ये वही चीज़ है। मतलब अगर एक ट्राइंगल है उसके सामने का जो एंगल दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट लगा सकते हो। समरी ये है, देखो अब समझो इसको, क्वेश्चन कैसे यूज करोगे, तुम्हें इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं यार। देखो अगर एक ट्राइंगल है उसके सामने का एंगल दिया हो तो डायरेक्ट लगा सकते हो। अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, देखो इस पे F1 फोर्स इधर लगा और F2 फोर्स इधर लगा और ये F3 इधर लगा, ठीक है, एक ब्लॉक है, तीन फोर्स लगे। अब इस पे इसको तुम लामी थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक है, लामी थ्योरम से तब कर पाओगे जब ये सारे एंगल पता हो, ये एंगल पता हो, ये एंगल पता हो और ये वाला एंगल पता हो, तो लामी थ्योरम लगा दोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट समझ रहे हो ना, बट लामी थ्योरम के अलावा अल्टरनेटिव में बताता हूँ, बिना लामी थ्योरम के भी कर सकते हो। देखो ये एक ब्लॉक है और ये इस ब्लॉक के एक कंपोनेंट कर दो, ठीक है, तो यहाँ x एक्सिस y एक्सिस बना लो, मान लो ये एंगल कुछ पता है, एक एंगल पता ही रहता है, ये मान लो थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, तो F3 के कंपोनेंट कर दो, F3 cos थीटा और नीचे आ जाएगा F3 sin थीटा। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, समझ रहे हो ना, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स जीरो है भाई, तो नेट फोर्स जीरो है, तो F2 जो है वो F3 साइन थीटा को बैलेंस किया होगा और F1 जो है F3 कॉस थीटा को बैलेंस किया होगा, तो F1 बैलेंस किया होगा F3 कॉस थीटा को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जो F2 है वो बैलेंस किया होगा
एफ थ्री साइन थीटा को, जो कि इक्वेशन नंबर टू। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें आराम से रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब लामी थ्योरम, वेक्टर के रिजोल्यूशन का यूज करके लामी थ्योरम को हटा सकते हो अभी फिलहाल हमारे केस में, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल होता है तो लामी थ्योरम इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल है मैकेनिक्स में। तो आई होप कि आपने तीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पहला पढ़ाया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया पॉलीगॉन रूल ऑफ एडिशन, तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैं लामी थ्योरम। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर। अब इन पे न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूंगा, आप न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखना। तो इस वीडियो को प्यारे बच्चों अधिक से अधिक लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय बाय।